एवरीवन, मैं मानसी भनोट आप सभी के साथ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन इज, कोलेट्रल सिक्योरिटी आपको बताना है क्या होता है। देखिए, कोलेट्रल जब हम जमा, जब भी कोई आपको लोन लेना होता है तो आप कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ऋणदाता का एक दायित्व, लायबिलिटी ऑफ द लेंडर, ओन्ड बाय द लेंडर या एसेट ऑफ द बोरोअर, लायबिलिटी ऑफ द बोरोअर। तो देखिए, जो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है क्या होता है, मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ चाहिए, बदले में आप 50-50 के दो पेन जो हैं अपने, वो जिससे आप 100 रुपीज़ बोरो कर रहे हैं उससे जो है 50 रुपीज़ के पेन उसके नाम कर दीजिए। सो ये क्या होता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी। इनकेस आप 100 रुपीज़ नहीं रिटर्न कर पाओगे तो वो दो पेन जो हैं आपके, वो एज कोलेट्रल सिक्योरिटी जिसने आपको पैसे दिए हैं वो अपने पास रख लेगा। दैट मीन्स उस समय में वो पेन का ओनर बन जाएगा। तो ये क्या है, कोलेट्रल सिक्योरिटी किसकी होती है, ओन्ड बाय द लेंडर, जो पैसा दे रहा होता है उसके द्वारा ओन की जाती है। तो आंसर है इसका बी। ओके, सो आंसर इज बी, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सभी जो है आंसर जरूर चेक कीजिएगा, अपने आंसर जरूर देखिएगा कि क्या आप आंसर दे रहे हैं और यहाँ पे क्या आंसर आ रहे हैं। प्लीज अपनी कॉपी वगैरह भी साथ में रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप कोलेट्रल्स देख सकते हैं, जैसे कार है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, कोई फ्लैट है, कोई बिल्डिंग है, कोई गोल्ड, कोई डायमंड, एनीथिंग लाइक दैट, या कोई आपकी महंगी मशीनरी है, किसी तरीके के आपके पास बॉन्ड्स इशूड हैं, ओके, वो भी आप एज अ कोलेट्रल इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने अगर ले रखे हैं, ये भी एक कोलेट्रल की मदद करती हैं। और अगर आपके कैश अकाउंट्स में बहुत सारा पैसा पड़ा है तो वो भी एक कोलेट्रल का काम करता है। निम्न में से कौन सा अल्म, एसिड जो है विनेगर में प्रेजेंट होता है, नाइट्रिक, एसिटिक, ह्यूमिक, ऑक्सैलिक। सभी ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, फिर जो है आंसर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, कौन सा इसमें से विनेगर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो आपको इसमें से देखना है कौन सा इसमें से प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखिए, विनेगर क्या होता है, CH3COOH, ओके, तो ये क्या है, ये इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक। और इथेनोइक एसिड कौन सा होता है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा हुआ इसका, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हुआ। सभी आंसर ट्राई कीजिए, ये मत सोचिए गलत आएगा, कैसे आएगा, मेन टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट जरूर करें। एसिटिक एसिड और किस किस चीज में होते हैं, एस्टर्स जो होते हैं, सॉल्ट, इन सभी में एसिटिक एसिड मौजूद होता है। 26 जनवरी 2002 के लेजिस्लेचर के तहत हमारा जो इंडियन ट्राई कलर फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है, कौन सी कथन जो इसमें से दिया गया है जो कि सच नहीं है। पहला कथन देखिए, फ्लैग को इंटेंशनली हम ग्राउंड पर टच नहीं कर सकते, फिर फ्लैग को जो है कम्युनल गेन्स के लिए, सांप्रदायिक लाभों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, फिर ट्राई कलर जो है उसको एक तोरण की तरह, देखिए तोरण क्या होता है, इस तरह से आप बंधनवार जो बांधते हैं, है ना, जैसे कभी दिवाली वगैरह होता है, कुछ भी त्यौहार होता है तो आप घर के बाहर फूलों की, पत्तों की या किसी भी इस तरह की जो है लटकन लटकाते हैं दरवाजों के ऊपर, या वो, तो दैट इज फेस्टून। एंड रोजेट क्या होता है, रोजेट होता है जब आप रोज जैसे पैटर्न के कुछ फ्लावरी अरेंजमेंट्स बनाते हैं, कागज के या और किसी भी चीजों के, कपड़े के भी बनाते हैं, है ना, आरकंडी के फूल बनाए जाते हैं, तो उस तरह से आप ट्राई कलर के फ्लैग का उपयोग नहीं कर सकते। बंटिंग, बंटिंग कैसे की जाती है, जब भी आप, जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी हस्ती जानी होती है तो वहां पे छोटे छोटे झंडे से लगे होते हैं, है ना, लाल रंग के, नीले रंग के, ऐसे जो छोटे छोटे लटका देते हैं, तो वो वैसे हम फ्लैग को जगह जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा प्राइवेट सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं है अपने फ्लैग को अपनी जगह जो है फहराने का, तो ये बिल्कुल जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये गलत है।
लास्ट ऑप्शन प्राइवेट सिटीजन्स को जो ये हक नहीं है, ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी तीनों चीजें बिल्कुल सही है। नंबर वन, हम फ्लैग को जो है इंटेंशनली जमीन पर टच नहीं कर सकते, उसको सांप्रदायिक लाभों के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, और उसको बंधनवार या फिर फुलावरों के अरेंजमेंट के लिए या इस तरह से पब्लिक उस पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये कौन कब आया था? एक्चुअली फ्लैग कोड ऑफ जनवरी 2002 में इसको जो है शुरू किया गया था, 26 जनवरी से इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए, जहां भी आप अपने घर पर, अपने स्कूल पर, वर्क प्लेस पर, सभी जगह जो है झंडा फहरा सकते हैं, उससे पहले अनुमति नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 के बाद जो है लेजिस्लेचर पास किया गया, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नेशनल फ्लैग जो है ये हमारी रिस्पेक्ट है, ये हमारी डिग्निटी है, हर जो सिटीजन है उसका ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 19(1) के तहत ये दिया गया है कि जो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसके तहत हम अपने तरंगे को फहरा सकते हैं। ओके, नवीन जिंदल द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो आंसर डी जो है ये गलत है। अर्जुना अवॉर्डी, अर्जुना अवॉर्डी आपको बताना है 2016 के एथलेटिक में इनमें से कौन व्यक्ति जो है बने। तो देखिए कौन है, अमित कुमार सरोहा, ललिता बाबर, MR पुमा, टिंटू लुका। तो इसमें से आपको बताना है 2016 एथलीट जो अर्जुना अवॉर्डी बने, दैट इज ललिता बाबर। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सभी आंसर जरूर ट्राई कीजिए, या देख सकते हैं जो जो अवॉर्डी हैं, सारे अवॉर्डीज यहां पे हमने आपके लिए डाले हैं ताकि आप एक बार इनको देख सकें। ये 2017 के हैं, वो जो क्वेश्चन था 2016 का था। तो आप यहां पे ध्यान कीजिए, अर्जुना अवॉर्डी सिंह भाटी, ओके, 2017 के पैरा एथलेटिक्स में। देन है अर्जुना अवॉर्डी मरियप्पम थंगवेलु, ये भी पैरा एथलेटिक्स में। देन देवेंद्र सिंह खेल रत्न अवॉर्डी 2017 के पैरा एथलेटिक्स के, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये सभी अवॉर्डीज आप इसमें देख सकते हैं किसको जो है कौन सा अवार्ड यहां पे दिया गया। आर के नारायणन इज नॉट द ऑथर ऑफ द बुक। आर के नारायणन द्वारा लिखी बहुत सारी बुक्स आपने बचपन में पढ़ी होंगी। तो इसमें से बैचलर, देखिए उस दिन जब मैं मालगुडी डेज वगैरह की बात कर रही थी उस समय मैंने बहुत सारी और भी बुक्स बताई थी। अब देखिए जो जो लिखते हैं कॉपी में, नो डाउन करते हैं कि क्या यहाँ पे बताया जाता है, उनके लिए तो प्लस पॉइंट हो जाता है जब भी कोई अलग क्वेश्चन निकल के आता है, लेकिन जो नहीं नोट डाउन करते उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको फिर याद नहीं रहता। आर के नारायण इनमें से किस बुक के ऑथर नहीं है? बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, टू लीव्स एंड अ बड, वेटिंग फॉर द महात्मा गांधी। हमारी क्लासेस में ऑलमोस्ट एवरी डे आप 5-7 बुक्स तो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो नोट्स बनाते होंगे उनको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन तरह के क्वेश्चन में। एन के नारायण द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई, नॉट वाला बताना है आपको यहाँ पे, कौन सी नहीं लिखी गई? देखिए टू लीव्स एंड अ बड, ये वाली बुक नहीं लिखी गई। उस दिन मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर द महात्मा गांधी, ये सभी बुक्स के बारे में बताया भी था। ओके, तो ये सारी बुक्स इनके द्वारा लिखी गई है। और ये फिर लिखी किसके द्वारा गई है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, किसके द्वारा ये बुक लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले इस बुक को 1937 में पब्लिश किया गया। ये जो प्लांटेशन की जाती है, कहाँ पे प्लांटेशन की जाती है? असम में। असम की प्लांटेशन के ऊपर ये बेस्ड है पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस बुक का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर है ये टू लीव्स एंड अ बड। हेनरी बैकवेल, आपको बताना है किसकी डिस्कवरी के साथ, किसकी खोज के साथ ये संबंधित है? जेनेटिक्स, रेडियो एक्टिविटी, इंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो किसके साथ ये संबंधित है? हेनरी बैकवेल, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एंटोनी हेनरी बैकवेल। ये किससे संबंधित है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के साथ संबंधित है। ये फ्रेंच इंजीनियर है, फिजिस्ट है, नोबेल लॉरेट है, यानी इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के एविडेंस को खोजा। इनको किसके साथ जो है नोबेल प्राइज दिया गया था? मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी के साथ रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको 903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। देख सकते हैं
इन्होंने कब जो है यूरेनियम और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स की जो है डिस्कवरी किस साल में की, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, फॉगिंग किससे होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कब देखा, तो आप देख सकते हैं कब इन्होंने शुरुआत कब की और नोबेल प्राइज इन्हें 1903 में दिया गया था। बहुत बार पूछ लिया जाता है किस साल इनको नोबेल प्राइज दिया गया या किसके साथ इनको नोबेल प्राइज दिया गया। डैश बिकेम द लेटेस्ट स्पोर्ट पर्सन टू विन 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन द सेम इवेंट, एक ही इवेंट में 4 बार कंसेक्यूटिव रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम। उसेन बोल्ट, माइकल फिलिप्स, लारिसा लैटिना, दीपा करमारकर, तो किस व्यक्ति को 4 बार लगातार जो है ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल हुआ है, तो ये कौन से व्यक्ति हैं? माइकल फ्रेड फिलिप्स 2, ये इनका करेक्ट आंसर है। अमेरिकन है ये, रिटायर्ड कॉम्पिटिटिव स्विमर है, तो आपको इस ध्यान में रखना है ये स्विमर है, ओके। और बहुत अच्छा इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, अब तक ये 28 मेडल्स जो हैं ओलंपिक्स में अपने नाम दर्ज कर चुके हैं, 28 मेडल्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स में भी एंड जो दूसरे इवेंट्स होते हैं सभी तरह के इवेंट्स में लगभग 28 मेडल्स ही अपने नाम कर चुके हैं माइकल फ्रेड फिलिप्स। हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गैदर्ड इन 1940s टू फिगर आउट हाउ टू रिफाइन यूरेनियम एंड बिल्ड एन एटॉमिक बॉम्ब, तो आपको एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बताने हैं जो कि 1940 में गैदर हुए थे, जिन्होंने डिसाइड किया था किस तरह से यूरेनियम को रिफाइन किया जाए और अटोमिक बॉम्ब बनाया जाए, ये पूरा आपको बताना है। उनके कार्य को क्या कहा गया था, तो देखिए क्या कहा गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। देखिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपनाया गया। इसके दौरान जो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे वो डेवलप किए गए यूरेनियम की मदद से, और यूनाइटेड स्टेट्स साथ में यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, ये तीनों ने मिलके जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था 1942 से लेकर 1946 के टाइम पीरियड के बीच में ये प्रोजेक्ट जो है वो किया गया। तो इसमें जो मेजर पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थी वो उनमें से थे मेजर जनरल लेस्ली ग्रूव्स, ये मेजर थे उस समय मेजर जनरल US आर्मी कॉर्प्स के, और इंजीनियर भी थे, न्यूक्लियर फिजिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व थे रॉबर्ट ओपनहाइमर, तो ये भी उसके डायरेक्टर थे लॉस एलमोस प्रोजेक्ट लेबोरेटरी के। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड दिया भी गया है, ये वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके जो हेड थे डायरेक्टर थे वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। दो नाम इसलिए एक जैसे मिलते जुलते दिए जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सके। हाँ ये अलग बात है, जिन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा उनको तो किसी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आपको ये दोनों चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। तो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत एक्चुअली 1939 में की गई थी, धीरे धीरे इसका जो टर्नओवर है ये बहुत बढ़ गया था, फिजाइल मटेरियल के ऊपर इन्होंने काम किया था। Which of the following is a navigational satellite? इनमें से कौन सा जो है नौवहन उपग्रह है? GSLV, PSLV, IRNSS, SLV-3। तो इसमें से कौन सा जो है एक नेविगेशनल सैटेलाइट है? तो कौन सा है देखिए इसमें से नेविगेशनल सैटेलाइट। नेविगेशनल सैटेलाइट को और कुछ कहा जाता है? नाविक, नाविक भी बोला जाता है इसको। तो देखिए नेविगेशनल सैटेलाइट इसमें से कौन सी है? IRNSS। क्या इसको और क्या बोला जाता है? नाविक भी बोला जाता है। ऑपरेशनल नेम है इसका नाविक। ये एक ऑटोमनस रीजनल सैटेलाइट सिस्टम है जो कि रियल टाइम पोजीशनिंग करने में हेल्प करता है। ओके, जितनी भी टाइमिंग सर्विसेज हैं, इस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम क्या हो रहा है, एग्जैक्ट रीजन की या कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस इंडिया का, वो सभी जो है एक्सटेंशन IRNSS द्वारा दिया जाता है। क्या है ये? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो आपको इसको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये पूरा जो है नाविक इसका ऑपरेशन है।
या आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा जो है मॉनिटरिंग करता है, टोटल कॉस्ट कितना है, ऑर्बिट का एल्टीट्यूड कितना है, तो वो दोनों चीजें यहां पे आप देख सकते हैं, एल्टीट्यूड और टोटल इसकी कॉस्ट। हाँ जी, ये जो आपका 80 क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे चल रहे हैं, 80 क्वेश्चन पेपर्स की जो सीरीज चल रही है, ये प्रीवियस ईयर पेपर की है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स 2020 ऑनवर्ड। कौन सा इसमें से खेल पहली बार 2020 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा? पोलो, जूडो, डार्ट्स, कराटे। तो 2020 की गेम्स होनी कहाँ पे है? जापान में, टोक्यो में। तो टोक्यो में ये गेम्स आयोजित जो 2020 की होनी है, उसमें कौन सा स्पोर्ट जो है पहली बार शामिल इसमें किया जाना है, कौन सा गेम्स यहाँ पे शामिल होना है? कराटे। कराटे जो है इसका करेक्ट आंसर है। और कोई गेम जो शामिल किया जाना है? एक है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, और कौन सा गेम शामिल किया जाना है? क्लाइंबिंग। ये चार गेम्स हैं, एक है कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, क्लाइंबिंग। ये चारों स्पोर्ट्स को पहली बार टोक्यो का 2020 का जो ओलंपिक्स होने वाला है, उसमें इन चारों गेम्स को शामिल किया जाने वाला है। अच्छा, 2016 में किसको ऐड किया गया था? 2016 में जब 3 अगस्त 2016 में हुआ था, तब बेसबॉल, सॉफ्ट बॉल को इसमें एंट्री की गई थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल। अभी 2-3 दिन पहले क्वेश्चन था नेशनल रिवर का, जिसका आंसर था गंगास, एंड यहां पे क्वेश्चन है नेशनल एक्वाटिक एनिमल हमारे इंडिया का कौन सा है? गंगेश शार्क, इंडियन स्टार टोर्टोइस, गंगेश रिवर डॉल्फिन, गोल्डन महसीर। तो कौन सा जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल इनमें से है, कौन सा है? देखिए, गंगेश रिवर डॉल्फिन जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, 2009 की बात है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय में रिवर डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में इसको घोषित किया गया। ये रिवर गंगा की प्योरिटी को दर्शाता है। किस तरह से? देखिए, क्योंकि ये जो डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ओके, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अगर पानी जो है पॉल्यूटेड है या उसमें गंदगी मिली हुई है, तब जो है ये वहां से शिफ्ट हो जाती है, माइग्रेट कर जाती है। इसीलिए गंगा की प्योरिटी को दर्शाने के लिए होली रिवर गंगा को, इसके लिए रिवर गंगा रिवर की डॉल्फिन को जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा जो है दिया गया है। एक इसकी खास बात ये है, इसकी आइज तो है छोटी छोटी, लेकिन उसमें लेंस नहीं होता, जिसके कारण से ये देख नहीं पाती। सिर्फ इसकी आंखों का मेन होता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, बस ये उसको एनालाइज कर सकती है। इसके अलावा इनको नजर नहीं आता, इनकी आईज में लेंस नहीं होता, दे लैक लेंस, लेंस इसमें नहीं होता, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जो इनके जो फिन्स होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं कि अनडेवलप्ड टाइप के होते हैं, तो ये भी चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। कहाँ पाई जाती है? गंगाज, मेघना, ब्रह्मपुत्रा। ओके, और कंट्रीज की बात की जाए, इंडिया में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो ये सभी जगह जो है यहाँ पे पाई जाती है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर रीडू? रीडू हम करते हैं जैसे, तो रीडू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल में लाई जाती है? कौन सी इस्तेमाल में करते हैं रीडू जब कुछ करना होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, दो चार चीजें रिवाइज कर लेते हैं। जब आपको अंडू करना होता है तो क्या करते हो? कंट्रोल प्लस जेड। Which bank board has approved the scheme of merger of भारतीय महिला बैंक लिमिटेड with itself? किस बैंक के बोर्ड द्वारा भारतीय महिला बैंक लिमिटेड को अपने आप के साथ मर्ज करने की बात कही गई है?
भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के साथ किस बैंक बोर्ड ने मर्जिंग करने की बात की है, यानी अपने आप उसको मिलाने की बात की गई है? बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी सारे बैंक्स जो हैं पिछले साल जो है मर्ज किए गए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है या और बाकी सारे बहुत सारे जो हैं वो मर्ज किए गए हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें भारतीय महिला बैंक लिमिटेड को मर्ज कर दिया गया। कब से? देखिए ये भारतीय महिला बैंक जो है 2003 में इसकी 13 में इसकी शुरुआत की गई थी, उसके बाद अप्रैल 2017 में इसको मर्ज कर दिया गया, भारतीय महिला बैंक को SBI के साथ। क्यों किया गया है? ताकि देखिए SBI का दायरा बड़ा है, SBI के दायरे के बड़े होने से भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की रीच जो है ज्यादा महिलाओं तक पहुंच सके, उसके लिए इसको मर्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में स्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किस से घिरा हुआ है? आपको बताना है ये जो फोर्ट है ये महाराष्ट्र में है। देखिए यहां से क्वेश्चन भी निकल के आया है कि मुरुद जंजीरा फोर्ट कहां पे सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अब ये किस से सराउंडेड है? धान के खेतों से, पेड़ों से, बाग से, पानी से। तो किस से ये मुरुद जंजीरा फोर्ट जो है वो घिरा हुआ है? किससे घिरा हुआ है ये? देखिए मुरुद जंजीरा ये लोकल नेम है बड़े ही मशहूर किले का, जो कि एक आइलैंड पर स्थित है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे बात की ये आइलैंड पर स्थित है, दैट मीन्स ये किससे घिरा हुआ है? पानी पे। ओके, मुरुद जंजीरा ये क्या है? पानी से घिरा हुआ है, इस तरह का। अगर आप इसको ध्यान से देखें उल्टा करके तो आपको ये टू आईज जैसा भी लगेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आप देख सकते हैं, पुट्स अ लिमिट ऑन द साइज ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो सीट्स हैं उस पर ऐसा नहीं है 1000 व्यक्ति जो हैं इलेक्ट होकर आ जाएं, ठीक है, या 200 आ जाएं, ऐसा नहीं है। एक लिमिट डिफाइंड है, वो लिमिट आपको यहाँ पे बतानी है कि क्या लिमिट जो है इसमें असाइन की गई है लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स की सीट्स के बारे में। ओके, लोकसभा की सीट्स के बारे में पूछा गया है, 550 दो, 543 टू, 541 एंड 3, 547 एंड 3। तो देखिए लोकसभा की जब बात की जाती है दो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। दो नॉमिनेटेड मेंबर का क्या मतलब है? ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट, आपके पास बचे दो ऑप्शन। ओके, अब लोकसभा में कितनी जो सीट्स होती हैं वो होती है 550। 550 होती हैं, दो जो होते हैं नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन मेंबर कम्युनिटी के होते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, जिनको डाउट हो रहा है 543 का, देखिए वो भी क्लियर करती हूं। यहां पे लिमिट पूछी गई है कि कितनी लिमिट है। लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम मेंबर्स, मैक्सिमम होते हैं 550, लेकिन जो आंसर दे रहे हैं 543। देखिए 543 तब कहा जाता है जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जैसे वैसे तो काउंट करते हैं, तो उसकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको शामिल करते हैं, तब 543 टोटल हैं। लेकिन 550 पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वो 7 सीटें जो हैं वो भरी नहीं जा पाती, इसीलिए टोटल देखा जाए तो 543 रह जाती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट जो दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो 550 की है। तो इसका आंसर क्या है? 550 और दो एंग्लो इंडियन, तो टोटल कितनी होगी? 552, 552 टोटल सीट्स हुई। ठीक है, सो हाँ, प्रेजेंट में सीट्स कितनी है? 543। क्यों? क्योंकि 7 जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की सीट्स हैं वो फिल नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। प्रेजेंट, हाँ आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 550 का प्रावधान दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं पूछा प्रेजेंट सीट कितनी है, क्वेश्चन में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे संविधान में कितनी जो निर्वाचित सीटें दी गई हैं वो आपको इसमें बतानी थी। अ मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच,
मंकी जो है पेड़ की एक शाखा पर जब बैठा है सीधा वो नीचे गिरता है जमीन पर। अब आपको बताना है ये किस चीज का एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केपलर लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो कितना है इसका करेक्ट आंसर देखिए। मंकी जो ब्रांच पर बैठा है अचानक से वो पेड़ से गिरता है तो ये क्या है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे है, देखिए जब वो ऊंचाई पर बैठा है, पेड़ की ऊंचाई पर बैठा है, उस समय में क्या होगा, उसके पास मैक्सिमम हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब वो नीचे आएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का रूप चेंज हो रहा है लेकिन एनर्जी जो है कंजर्व होगी। तो आंसर है इसका ए, ए इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, जो अभी कह रहे हैं कि एंग्लो इंडियन की सीट्स 2 नहीं 12 हैं, प्लीज़ देखिए ध्यान कीजिए, वो 2 ही हैं लोकसभा में जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं एंग्लो इंडियंस की, दैट इज 2। ठीक है, 12 सीट्स किस में होती हैं, राज्यसभा में, राज्यसभा में 12 सीट्स नॉमिनेट होती हैं। तो ये ध्यान करना है, कंफ्यूज नहीं होना, 2 लोकसभा में, 12 राज्यसभा में। यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इशूड अ कमरेटिव स्टैंप ऑफ डैश द इंडियन म्यूजिक लेजेंड ऑन दी, ये आपको बताना है कि ये जो किसकी स्टैंप जो है दी गई थी, इंडियन म्यूजिक लेजेंड की यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो है एम एस शुभ लक्ष्मी के स्टैंप जो है यूएन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई थी। कब जारी की गई थी, 2 अक्टूबर को 2016 में इनके नाम की स्टैंप जो है वो जारी की गई थी। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, कर्नाटिक म्यूजिक के लिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है किसके लिए प्रसिद्ध हैं। और 2016 में ही क्यों जारी की गई, इसका भी एक कारण है, इस साल इन्होंने अपने बर्थ की कैंटेरी जो है पूरी करी है, तो उसके लिए जो है इनको, इनके नाम की स्टैंप जो है जारी की गई। टेलेक्स आपको बताना है किसका पूर्ण रूप है, टेलीग्राम एक्सप्रेस, टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज। तो टेलेक्स आपको बताना है किसका पूर्ण रूप है, तो ये किसका पूर्ण रूप है, ये है टेलीप्रिंटर एक्सचेंज। सेकेंड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस दौरान जब प्रिंटिंग की जाती थी, ठीक है, उस समय इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं था, इंटरनेट ही नहीं था, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सबसे ज़्यादा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, टेलटेक्स। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे टेलेक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता था डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ओके, ये जो है मशीन डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको इस्तेमाल में लाया जाता था। UNDP's रिपोर्ट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, तो UNDP की जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ी, जो कि कंट्रीज को किस बेसिस पे कंपेयर नहीं करती, ज्ञान के निगम संचालन, लंबा एवं स्वस्थ जीवन, जीवन की गुणवत्ता, किस पर जो है ये कंपेयर नहीं करती, वो है निगम संचालन पर, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर UNDP की रिपोर्ट जो है। ह्यूमन डेवलपमेंट, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट में नॉलेज कंट्री का कितना बढ़ रहा है लोगों का, ओके, इसके अलावा कितनी आयु है, कितना स्वस्थ जीवन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, ये सभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई अगर वर्ड आपको समझ में नहीं आए मान लीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि कौन सी चीज जो है आपको समझ में नहीं आती, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। Which of the following is celebrated every year in the first week of December in Nagaland? तो नागालैंड में हर साल पहले हफ्ते के दिसंबर के महीने में किस फेस्टिवल को, किस फेयर को ऑर्गेनाइज कराया जाता है? बनेश्वर फेयर, हॉर्नबिल फेस्टिवल, बोहागियो, बिशु ट्राइबल फेस्टिवल, भगोरिया त्यौहार। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है नागालैंड में त्यौहार जो है मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है, देखिए नागालैंड में कौन सा है,
फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी इसको कहा जाता है, वो है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है। इस तरह से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, एक से लेकर, डेट्स भी यहां पे लिख देती हूं, एक से लेकर 10 दिसंबर तक इस फेस्टिवल को हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और इस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार इसको कहा जाता है। ऑन व्हाट डेट इज द वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड लायन डे आपको बताना है किस दिन हर साल जो है मनाया जाता है, 10 दिसंबर, सितंबर, 10th अगस्त, 10th ऑफ जुलाई, 10th ऑफ जून, तो किस दिन लायन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है 10th ऑफ अगस्त, इसका करेक्ट आंसर है। 10th ऑफ अगस्त ही डेट क्यों चुनी गई है, इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है? क्योंकि इस दिन 10th अगस्त को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है केनिया की, इवासो लायंस, इनके लिए, इनको जो है समर्पित की गई है ये डेट। ओके, आप देख सकते हैं द लायन इज अलोन टू बट स्टिल इट रोर्स, वर्ल्ड लायन डे 10th ऑफ अगस्त। डैश आइलैंड्स इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है? बैरन आइलैंड, ऑयस्टर रॉक, वाइपर, हैवलॉक, तो इसमें से कौन सा जो है एक्टिव वॉल्केनो है, वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड कहां पर है, ये आप देख सकते हैं, बैरन आइलैंड ये अंडमान सी पर है, ठीक है। बैरन वॉल्केनो ये इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है साउथ एशिया का, साउथ एशिया का एक्टिव वॉल्केनो है, और जितने भी चेन्स ऑफ वॉल्केनोज हैं सुमात्रा से लेकर म्यांमार तक, वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2016 का वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम आपको बताना है क्या है, तो वो है वन्य जीवियों के अवैध व्यापार पर शून्य सहिष्णुता, यानी जीरो टॉलरेंस फॉर द इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ये जो वर्ल्ड डे होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसको कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5th ऑफ जून को हर साल ये दिन जो है मनाया जाता है, WED, वेड बोला जाता है इसको, वेड, इसको 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब की गई, 1974 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, क्योंकि देखिए ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मैरीन पॉल्यूशन हो रहा है, कोरल डिप्लीशन हो रहा है ना, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये सिस्टम जो है शुरू किया गया था, ताकि सस्टेनेबल कंजप्शन को बढ़ावा दिया जा सके और वाइल्ड लाइफ से जुड़े क्राइम्स को कम किया जा सके। देख सकते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, जितने भी कॉरपोरेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, जितनी कम्युनिटी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सभी जो हैं इस दिन को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं एनवायरमेंटल कॉज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल कैन नॉट कंप्यूट, इसमें से कौन जो है गणना नहीं कर सकता, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन, तो प्रिंटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक अरावली माउंटेन्स की कौन सी है, गुरु शिखर उसकी हाईएस्ट पीक है। गुरु शिखर कहां पे है, अरमुडा, अरमुडा माउंटेन्स जो है राजस्थान के, वहां पे देखिए माउंट आबू से ये लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और माउंट आबू इकलौता हिल स्टेशन है राजस्थान का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा,
ये आपको बताना है इस किसके अंदर, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। सेल, मसल, लिक्विड, टिश्यू। प्लाज्मा जो है ब्लड का, वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या है ये बताइए। प्लाज्मा जो होता है ये येलोइश कलर का लिक्विड होता है, पहले आपको ये में ध्यान रखना है। ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स होता है, इस तरह से प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा 55% जो होता है हमारा ब्लड जो है, ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। येलोइश कलर का ये लिक्विड होता है, पूरे ब्लड में सस्पेंशन टाइप का ये आप देख सकते हैं। ओके, अगर आरबीसीज ना हो तो ब्लड का कलर कैसा लगेगा, येलोइश कलर का प्लाज्मा के कारण नजर आएगा। तो ये क्या है, ये एक लिक्विड है, तरल है। एयरलैंडर 10 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड एयरशिप विच हैड इट्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट इन अगस्त 2016 वॉज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन, ये कब जो है डिजाइन किया गया और कब इसको मैन्युफैक्चर किया गया, कहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया, यूके, जर्मनी, यूएसए, रशिया। तो 2016 में इसको जो है डिज़ाइन किया गया अगस्त के महीने में, एयरलैंडर 10 को, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड एयरशिप है। तो आपको ये बताना है ये कहाँ पे डिज़ाइन किया गया, ये यूके द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया, ब्रिटिश, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो है इसको डिजाइन किया गया। हाइब्रिड है, हाइब्रिड का क्या मतलब है, इसके पास विंग्स भी हैं, इसके पास टेल सरफेस भी है, तो ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। एक तो ये एरोस्टेटिक तरीके से भी काम कर सकता है, एरोडायनामिक तरीके से भी ये काम कर सकता है। इसमें डीजल इंजन ड्रिवन सिस्टम भी अवेलेबल है और प्रोपेलर्स भी अवेलेबल है, तो हर तरीके से ये काम इसमें कर सकता है, एयरलैंडर इस तरह का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की इन एन आईबीएम कंपैटिबल कंप्यूटर, मॉडिफायर की किस कौन सी इसमें से नहीं है। तो देखिए, कंट्रोल, कंट्रोल के साथ आप कोई की दबाते हो तो वो की का फंक्शन बदल देती है, इस तरह से शिफ्ट के साथ कोई की दबाते हैं फंक्शन बदल जाता है, विंडोज की के साथ आप कोई भी की इस्तेमाल करते हैं तो मतलब बदल जाता है, लेकिन टैब, टैब से एक ही चीज होती है कि वो शिफ्टिंग करती है, तो वो एक ही मतलब रहता है, दैट इज, दिस इज नॉट अ मॉडिफायर की, टैब इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कोई मॉडिफायर की का एग्जांपल, जो ऊपर FN वाले फंक्शन वाली कीज होती हैं, F1, F2, F3, ये सभी जो होते हैं वो भी आपके मॉडिफायर कीज में ही आते हैं। द विनर ऑफ 2018 कबड्डी वर्ल्ड कप स्टैंडर्ड स्टाइल वर, कबड्डी वर्ल्ड कप स्टैंडर्ड स्टाइल 2018 के आपको इसमें बताने हैं, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ईरान, इंडिया। तो कौन से इसमें से विनर रहे, 6 नेशन ने कबड्डी मास्टर सीरीज जो की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जब ये हुआ, ईरान जो है इसका विनर रहा। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मेटालिक मिनरल्स, इसमें से कौन सा जो है मेटालिक मिनरल्स की कैटेगरी में नहीं शामिल, कोल, बॉक्साइट, टिन, निकल, तो कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है वो आपको बताना है। मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं, जो कि रॉ फॉर्म में होते हैं। ओके, रॉ फॉर्म आपको इसमें सब देखने हैं, इसमें से रॉ फॉर्म कौन सा है, मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं इसमें से, कोल इसका करेक्ट आंसर है। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ माचू पिचू इज लोकेटेड इन, माचू पिचू आपको ये सेंचुरी बतानी है ये कहाँ पर स्थित है, चाइना, जापान, वियतनाम, पेरू, तो ये माचू पिचू जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये एक सिटाडेल है जो कि एंडीज माउंटेन रेंज में स्थित है, तो ये कहां पर है, पेरू, पेरू जो है इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट रिवर भी है इसके साथ संबंधित, वो है उरुबंबा, उरुबंबा रिवर है
माचू पिचू साइट के साथ एसोसिएटेड ये रिवर का नाम भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसका निर्माण जो है 15th सेंचुरी में किया गया था। मैन बुकर प्राइज 2016 आपको बताना है किसके द्वारा जीता गया। तो ये जीता गया पॉल बीटी द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ये पॉल बीटी जो है ये पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एसोसिएटेड प्रोफेसर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जिनको ये मैन बुकर प्राइज जो है 2016 का दिया गया। द मेन माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, मेन माउंटेन रेंज जो है इंडिया की उसमें क्या शामिल नहीं है, हिंदू कुश, विंध्या, अरावली, सतपुरा। तो मेन माउंटेन रेंज जो है उसमें क्या शामिल नहीं है, वो है हिंदू कुश। हिंदू कुश इसमें शामिल नहीं है। देखिए एंशंट ग्रीक की अगर बात करें तो उस समय में हिंदू कुश का जिक्र किया जाता था इंडिकस, इंडिकस के नाम से जो है 800 किलोमीटर लंबी जो ये रेंज है माउंटेन रेंज, इसका जिक्र उसमें किया गया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अफगान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये रेंज आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का जो बॉर्डर है इसके बिल्कुल टॉप पे ग्रीन कलर का हाइलाइटेड एरिया जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हिंदू कुश है। और यहाँ काराकोरम का आप देख सकते हैं सेंट्रल काराकोरम नेशनल पार्क भी, ये भी आप रिवाइज इसमें कर सकते हैं। तो ये अफगान पाकिस्तान के बॉर्डर पर टच हो रही है। द इंजन ऑफ द डैश ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड, वो आपको इंजन बताना है कौन सा है। फेरी क्वीन, गोल्डन चैरियट, पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है ईस्ट इंडियन रेलवे द्वारा ये स्टार्ट की गई थी 1855 में, स्टीम लोकोमोटिव है चेन्नई से, पैरम्बर चेन्नई 1997 में इसको जो है फिर से रिस्टोर किया गया था। शुरुआत इसको 1855 में किया गया चेन्नई में, बाद में 1997 में इसको रिस्टोर किया गया और उसके बाद इसको रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में लाया गया। और ये कहाँ से कभी कभी चलाई जाती है, अलवर से दिल्ली के बीच के रास्ते के लिए चलाई जाती है। ऑन 26 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट अ स्टेडियम दैट वॉज फॉर्मली नोन एज डैश स्टेडियम। तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक जो स्टेडियम में राष्ट्र ध्वज फहराया था, वो स्टेडियम आपको किस नाम से जाना जाता है बताना है, छत्रसाल, इरविन, ताल कटोरा, हरबख्श सिंह। तो ये आपको इसमें से बताना है कहाँ पे ये जो इन्होंने झंडा जो है लहराया था, दैट इज इरविन स्टेडियम। इरविन स्टेडियम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथराइज्ड पब्लिशर एंड कस्टडियन ऑफ द गजेट ऑफ इंडिया, गजेट जो पब्लिश किया जाता है उसके ऑथराइज्ड पब्लिशर कौन है, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, चीफ कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। तो कौन किसके द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है, गजट ऑफ इंडिया, ये किया जाता है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के द्वारा, प्रकाशन नियंत्रक के द्वारा। डैश हैज बिकम अ लेगेसी लॉन्चर ऑफ इसरो, कौन सा जो है इसरो का लेगेसी लॉन्चर है इसमें से, ASLV विरासती, ओके, तो विरासत के रूप में जो लॉन्चर है, GSLV साउंडिंग रॉकेट्स, PSLV कौन सा जो है इसका विरासती प्रमोचक है। दैट इज ALSV इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या होता है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV जो है 5 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट जो है इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ASLV।
यहाँ पे आप सारे एक बार देख सकते हैं किस किस तरह के अवेलेबल हैं। एक आप देख सकते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, ASLV, PSLV, XL, देन GSLV, उसके बाद GSLV अगला। तो आप सारे देख सकते हैं इसमें कौन कौन सा कितना लिफ्ट ऑफ वेट है, प्रोपल्शन कितना है, पेलोड मास सबका कितना है, ऑर्बिट किस किस तरह के हैं इसमें, तो सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंट टू द लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च डैश टू अचीव द विजन ऑफ क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। तो ये आपको बताना है स्वच्छ भारत अभियान इंडियन रेलवेज द्वारा जो लॉन्च किया गया विजन ऑफ क्लीन इंडिया का 2 अक्टूबर 2019 के लिए, वो इसमें से कौन सा किसकी शुरुआत की गई है। रेलवे स्वच्छता अभियान, स्वच्छ रेलवे मिशन, स्वच्छ रेलवे, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता सप्ताह। तो क्या है ये स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान, ये कॉन्सिक्वेंट है किसके साथ, स्वच्छ भारत अभियान के साथ, इंडियन रेलवेज के साथ ये मिलकर जो है बनाया गया है प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डू नॉट बिलोंग टू साउथ इंडिया, कौन सी इनमें से डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया को बिलोंग नहीं करती। देखिए पांड्या, पाला, सत्वहनास, पल्लवास, ये सभी देखिए पांड्यास भी साउथ की है, सत्वहनास भी, पल्लवास भी, इवन चोलास भी अगर यहां दिया जाता वो भी साउथ का है। और कौन सा है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये तीनों जो है साउथ के हैं। पालास कहाँ के हैं, पालास जो है ये बंगाल के हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। पाला एम्पायर जो है जब बंगाल का जो रीजन था वहां के ये रूलर रहे हैं, तो आंसर इज बी। जो महायाना सेक्ट है, तांत्रिक स्कूल है बुद्धिज्म का, उसको ये फॉलो करते थे। राइनोस्कोप आपको बताना है किस चीज को एग्जामिन करता है। देखिए राइनोस्कोप देख के आपको जो है आंसर जल्दी से गेस नहीं होगा, लेकिन आपको एक वर्ड बताती हूँ यहाँ पे, नेसोस्कोप आप बता सकते हैं किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स। अब नेसोस्कोप से आपको वर्ड जो है जल्दी से क्लिक होगा, ये नोज का इंस्ट्रूमेंट है। राइनोस्कोप को नोसोस्कोप भी, नेसोस्कोप भी कहा जाता है। अब आपको अगर ये वर्ड याद रह जाएगा तो आप नोज इजीली क्लिक इस पे कर सकते हैं। इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है नोज के अंदर जो है स्टडी करने में ये हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।